हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों का। ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर शुक्रवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने मंत्रियों से कहा कि बाढ़ पीड़ितों परिवारों को 50 किलो अनाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश के जिन जिलों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण जान माल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रभावितों को जरूरी सहायता प्राथमिकता से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में बाढ़ से काफी क्षति हुई है, राहत के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनता के लिए राहत कार्यों के उद्देश्य से विभिन्न विभाग शामिल कर टास्क फोर्स बनेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि भयानक प्राकृतिक आपदा है, उन्होंने अपने जीवन में ऐसी त्रासदी नहीं देखी। मकान मलबे का ढेर हो गए हैं। सीएम ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम के तहत इन जिलों में राशन वितरित होंगे, प्रभावित इलाकों में समारोह जैसा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।